Hello students, how are you all? I hope all are doing very well, and today we are going to do our chapter Current Electricity of class 12, and we'll do assertion reason, right? So let's begin. The very first assertion reason of this chapter is, assertion is, a potentiometer is preferred over a voltmeter for measuring EMF of a cell. So if you have gone through the last video that I made, ki one mark question of this chapter, so in that we did this question, right? Ki hamare paas kya hota hai? Ki agar hum battery dekhe, what is battery? Battery is basically an electrolytic solution. Battery is basically a chemical reaction, right? कि उसमें अपने भी तो जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, एंड व्हेनेवर द चार्जेस विल मूव देन रेजिस्टेंस वुड बी देयर. सो सेल की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, सो उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, एंड ड्यू टू दैट वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास क्या है कि जो हमें वोल्टेज मिल रही है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, एंड जो एक्चुअल में बैटरी की ईएमएफ है, वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और उसमें रिलेशन था E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, वेयर आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, बहुत चीजें बताई है उस वीडियो में, इफ यू हैव नॉट गोन थ्रू दैट do go through, okay? So यहाँ से क्या है कि potentiometer, I just repeat it again if you have gone through, so you can skip. कि in potentiometer what we do, we have a stylus, we have a jockey. हम उसको क्या है वायर पे अलग अलग जगह पे चेक करते हैं until we get zero deflection, null deflection in the galvanometer. So उस केस में क्या होता है, जब हमारा नल डिफ्लेक्शन आएगा तो करंट जीरो हो गया, करंट फ्रॉम द सर्किट. सो दिस थिंग्स बिकम जीरो, वी गेट E इज इक्वल टू V. दैट मींस व्हाटएवर वोल्टेज वी गेट इज एक्चुअली द ईएमएफ फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर. ठीक है, बट हमें जो वोल्टमीटर बताता है, वोल्टमीटर गिव्स अस द टर्मिनल वोल्टेज V. ठीक है, so assertion was a potentiometer is preferred over a voltmeter for measuring the EMF. Is it true? Yes, ये true है. ठीक है, because उसमें ये चीज zero हो जाती है. Then the reason is potentiometer is preferred and it does not draw any current from the cell. So as it does not draw any current from the cell, so ये भी true है. ठीक है, so and yes, this is the explanation also, so both are true, assertion and reason, and reason is the exact explanation of the assertion. ठीक है, तो ये first हो गया. Then second, the wire of the potentiometer should be of uniform area of cross section. So अगर तुमने potentiometer देखा है कैसे है वो, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400. ठीक है, सो फ्रॉम 0 टू 400 हमारी वायर होती है. इफ यू हैव गोन थ्रू दैट, हमारी वो वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की. ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा मोटी हो जाएगी, कहीं पे पतली हो जाएगी, एवरीवेयर इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, राइट? सो यस, इट इज ट्रू. क्यों? ठीक है, नाउ द रीजन से अपनी तरफ से अगर मैं कहूं कि यार यहां से थिक हो गई, थिक हो गई तो यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, दैट मींस कि हमारा करंट जो है वो वेरी करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप वेरी करेगा, और उसके कारण हमारी जो रीडिंग्स है वो वेरी कर जाएगी. ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें यूनिफॉर्म ही चाहिए. अदरवाइज ये पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से जो है वो वेरी कर जाएगा, राइट? ई रेजिस्टेंस
that EMF is directly proportional to the length of the wire. Directly proportional कहाँ से आता है? कि वो हमारा resistance के हम equation लगा के हम कहते हैं कि cross section इसका uniform रख लेंगे. चलो कर लेते हैं. I R I L rho by A. I भी constant, A भी constant, rho भी constant है, तो जाके V is directly proportional to L है. In this potentiometer. ये potentiometer का law है basically. ठीक है. So V directly proportional to L कब होगा? जब A area of cross section constant है. समझ आई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है और इस पूरे वायर में सेम करंट जा रहा है. इसका रो मटेरियल तो सेम ही है तो रो भी सेम ही होगा, राइट? सो ये एक्चुअल में रीजन है इसका. ठीक है. ओके. तो हमारा ये अजर्शन था दैट द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यस, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. रीजन सेज इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ये कांस्टेंट होगा तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो यस, ये भी ट्रू है. ठीक है. अगेन आई एम सेइंग कि इतनी एक्सप्लेन ज्यादा नहीं बताते लोग. ठीक. सो इफ आई एम गिविंग इट दिस मच एक्सप्लेनेशन तो उसका फायदा उठाओ, अपने बेसिक्स क्लियर करो. हर वीडियो में मैं कह रहा हूं बेसिक्स याद रखो. ठीक. सो इसमें क्या आ जाएगा? बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ठीक है. थर्ड वन, द हायर द रेंज द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर. पहले इसको मैं लिख लू फिर हम समझते हैं इसको. assertion says if range is higher, resistance of a meter is also higher. ठीक है. तो ये किस टॉपिक है हमारा? This is the topic of galvanometer converted into a meter. ठीक है. तो galvanometer को जब हम meter में convert करते हैं तो उस टॉपिक में है ये. अब इसको सोचते हैं कैसे है ये, क्या ये true है क्या ये नहीं है. ये assertion है. तो मेरे पास क्या है? एक गैल्वेनोमीटर है. अ गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस. इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट ऑफ फ्यू बेसिकली मिली एम्पियर्स. ठीक है. तो ज्यादा करंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, बट ए मीटर को तो हम किसी भी करंट के लिए यूज कर सकते हैं. अपनी रेंज है. अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है तो क्या करेंगे हम? इसको गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि IG ऐसा करंट है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है. ठीक है. IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. फाइन. अब सपोज समझने के लिए, सपोज ये है 1 एम्पीयर. समझने के लिए लाइक मुझे ऐसा एक एमीटर चाहिए जिसमें 5 एम्पीयर तक का करंट जाना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, मैं कहूंगा 1 एम्पीयर यहां से चले जाए, बाकी का नीचे से एक रेजिस्टर में से चले जाए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट अ शंट रेजिस्टर. ठीक है. वी विल कनेक्ट अ शंट रेजिस्टर. शंट मींस पैरेलल, राइट? तो वी विल कनेक्ट अ पैरेलल रेजिस्टर ओवर हियर सो दैट नाउ इफ आई गिव एनी आई एम्पेयर ऑफ एनी रेंज, 5 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है, कोई भी रेंज का, ये रेंज ऑफ करंट, उसमें से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां से चली गई, बाकी कितना बचा? I माइनस आई जी यहां चला गया. ठीक है.
सो अब मुझे चेक करना है रेंज और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन, कि अगर मुझे 5 एम्पीयर का रेंज चाहिए और इसमें से 1 एम्पीयर ही करंट जाएगा तो यहां कितनी रेजिस्टेंस रखूंगा कि 5 एम्पीयर का बन जाए, ये हमने निकालना है। बट अजर्शन को अगर मैं ध्यान से समझू तो मुझे एक डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर है कि अब करंट यहां तक पहुंचा, इस नोड पे आया, वो यहां पे उसके पास दो वे थे, या तो सीधा चले जाता या यहां से, ठीक है। तो करंट अगर ज्यादा यहां से गया तो कौन सी रेजिस्टेंस कम होगी? ऑब्वियसली शंट रेजिस्टर, बिकॉज करंट फ्लोज इजली थ्रू लेस रेजिस्टेंस, या करंट फ्लोज मोर थ्रू लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों? कि जितना इजी पाथ हमें मिलेगा हम उतना ज्यादा उस वे से जाने की ट्राई करेंगे। कि सपोज करो तुम्हारे आगे दो वेज हैं, एक बहुत डिफिकल्ट वे है, एक इजी वे है, तो तुम कहां से जाओगे? इजी से ऑब्वियसली, ठीक है। तो करंट भी वैसे ही है, वो इजी वे प्रेफर करेगा। सो एक चीज क्लियर होती है यहां से, दैट शंट रेजिस्टर इज ग्रेट इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तभी यहां से जाएगा। अब समझो इसको, 1 एम्पीयर यहां जा रहा है, 4 एम्पीयर जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी इसकी, तो इसमें से करंट कम हो जाएगा। अगर इसमें से करंट कम होगा तो इसमें ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, मींस इसकी स्केल बढ़ जाएगी। मींस जो मैं पहले 5 दे रहा था, 4 यहां आ रहा था, 1 यहां आ रहा था, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने से मे बी इसमें 3 एम्पीयर जा रहा है। So, अगर इसमें तो सिर्फ 1 एम्पीयर जा सकता है, तो मेरी रेंज कम होके 4 हो गई। दैट मींस ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा रेंज कम हो जाएगी। अजर्शन क्या कह रहा था? रेंज बढ़ेगी अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा। सो ये तो सीधी फॉल्स है, ये हमने एक्चुअल में समझा होता क्या है, ठीक है। अब हम इसको ड्राइव भी करेंगे कि अगर सपोज ये हमारे पैरेलल में लगे और पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होती है, सो जितनी वोल्टेज ड्रॉप यहां पे है, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस, एंड हियर वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, आई की वैल्यू आएगी आई जी जी प्लस एस अपॉन एस, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसको ओपन करोगे आई जी बाहर ले जाओ, जी प्लस एस हो जाएगा और ये एस डिनोमिनेटर में। सो यहां से क्या पता चलता है? अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, आई छोटा हो जाएगा। सो जो मैंने एक्चुअल में सोचा था वही हुआ कि ये आई क्या है, ये आई है जो रेंज का करंट में भेज रहा हूं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ये रेंज ऑफ करंट कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये फॉल्स है, अजर्शन तो फॉल्स है। अब इसका रीजन देखते हैं, ठीक है। सो रीजन सेज कहा गया टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमिटर, एडिशनल शंट इज नीडेड टू बी यूज अक्रॉस इट। सो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए मीटर, इसकी रेंज इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशनल शंट लगाना पड़ेगा। तो एडिशनल शंट तो हम लगाएंगे नहीं, उससे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस नहीं ना बढ़ानी हमें, तो रीजन भी गलत है। So assertion is also false, reason is also false, और explanation तो हो ही नहीं सकती। So both assertion and reason are false. समझ आया? ठीक है? Okay. Next is the resistance of an ideal voltmeter should be infinite. ये assertion है। अब बहुत बच्चों को ये पता होगा
होना चाहिए कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है एस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अच्छा ऐसा क्यों? ठीक है, ये ट्रू है, assertion is true। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल इसका कि चलो पहले मीटर समझते हैं, मीटर से जल्दी समझ आ जाएगा कि हम मीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो अगर ये मेरा रेजिस्टर है, ये मेरा मीटर है, यहां पे मैंने लगा दी बैटरी, यहां ई लगा ली, ये आगे बना, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मुझे करंट मेजर करना है तो चार्जेस इसमें से फ्लो करने चाहिए। करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया। तो जितने इसमें से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उतना इसका करंट ये मेजर कर लेगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड जिसको हमने डोर पे खड़ा किया है कि इसके सामने से बंदे निकल रहे हैं, ठीक है, और ये काउंट कर रहा है कि कितने बंदे एक सेकंड में निकल रहे हैं। अब बट अगर मैं कहूं ये सीरीज में लगा है, ठीक है, कि अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई है तो क्या होगा, ये करंट को कम कर देगा। और हमने एमीटर को वहां पे रखा है जस्ट टू मेजर द करंट, करंट को कम करने के लिए नहीं, कि मैंने मेजर करने के लिए वहां पे एमीटर लगाया था और करंट 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर रह गया, ऐसा तो नहीं ना चाहिए, ठीक। तो इसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, ठीक है। आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है। नाउ अब सीरीज में लगे हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस जीरो इज आर, तो सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ा आइडियल रेजिस्ट आइडियल एमीटर से। बट सिंस नथिंग इज आइडियल, वायर्स हैं इसमें, उस वायर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, सो रेजिस्टेंस होती है बट नेग्लिजिबल, ठीक है, एमीटर में। अब वोल्ट मीटर क्या है, सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस पैनल अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है। तो अब क्या है, अब अच्छा एक और इजी एग्जांपल इसका कि वोल्ट मीटर इज जस्ट लाइक द प्रेशर गेज, ठीक है। प्रेशर गेज मींस एक ऐसा डिवाइस जो प्रेशर मेजर करता है। उसमें होता क्या है, उसमें होता है बेसिकली एक स्प्रिंग और एक सरफेस, ठीक है। जब हम यहां पे प्रेशर लगाते हैं, राइट, तो क्या होता है, स्प्रिंग कंप्रेस होता है। स्प्रिंग के कंप्रेस होने से बेसिकली वो स्प्रिंग खींचा जाता है, उसको इस तरह कैलिब्रेट किया होता है ये, हम इसकी फोर्स निकाल लेते हैं कि जितना वो स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है बेसिकली, उतने हम उस पर फोर्स लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक। अब फोर्स पर यूनिट दिस एरिया इज प्रेशर, ठीक है। सो ये ऐसे हम प्रेशर निकालते हैं। तो वोल्टेज इज इलेक्ट्रिकल कॉन्ग्रेंट सिमिलरली, जो हमारा जो वोल्टेज है वो प्रेशर जैसा ही होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ये, ठीक। तो क्या एक्चुअल में इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर का अगर प्रेशर देखना है, नो, वाटर तो सिर्फ यहां पे टकराएगा, ठीक है ना। सो वाटर हमारा क्या है, जस्ट यहां पे स्ट्राइक कर। सिमिलरली कि जो हमारा वोल्ट मीटर है इसको सिर्फ करंट का बेसिकली सिर्फ टकराना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में यहां पे करंट फ्लो ना भी करे, या मींस
एक्चुअल में इसमें हमें सिर्फ इसका प्रेशर देखना होता है कि किस प्रेशर से चार्जेस जा रहे हैं. ओके, सो एक्चुअल ज्यादा हमें करंट इसमें से पास नहीं करना, और अगर मुझे इसमें से करंट पास नहीं करना तो इसकी रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम, हाई. अगर मुझे बिल्कुल ही करंट पास नहीं करना देन द रेजिस्टेंस वुड बी इंफिनिटी. ठीक है, हमने मीटर वाले केस में देखा था कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम जाएगा, तो इसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट जाएगी. और अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं इट वुड बी पैरेलल का यही होता है 1 by r plus 1 by r and 1 by r is infinite, 1 by infinity is 0. So circuit में कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, hence voltmeter को parallel में लगाते हैं और इसकी resistance होती है infinite. I hope clear हो गया ये. So assertion is true. Now reason. Reason, let's see. Lower resistance of voltmeter gives reading lower than the actual potential difference across the terminal. I am repeating, lower resistance, agar resistance kam hai, of the voltmeter gives reading lower than the actual potential difference across the terminal. कि वो क्या देगा हमें, जो एक्चुअल उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कम वैल्यू देगा. सो इरेज हो गया. अगेन सोचो जरा कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट उसमें से जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अगर करंट उसमें जा रहा है तो वो पोटेंशियल ड्रॉप उसके भी हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जितना एक्चुअल है उतना ही हमें देगा, उसमें से तो चला गया, क्रॉस कर गया उसमें से, या उसमें चार्जेस फ्लो कर गए, तो उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो गया. समझ आ रही है कि हमारे पास जितना चाहिए था वोल्टेज वो डिवाइड हो गया और अब हमें कम मिल रहा है, बाकी तो वोल्ट मीटर के थ्रू चला गया. ठीक, सो हेंस हमारा रीजन भी ट्रू है. एंड यस, इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ इट कि अगर वो कम होगा तो हमारा रेजिस्टर, अगर हमारी रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या है, वोल्ट मीटर की जो वैल्यूज है वो कम आएगी, या वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट होती है. ठीक है, फोन की डिस्प्ले भी मैं चल रही, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ठीक है, सो तुम्हें लगना चाहिए ये क्लास चल रही है, क्लास में ये सारी चीजें होती रहती हैं, नहीं? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नेक्स्ट, वोल्टमीटर ऑलवेज गिव्स ईएमएफ ऑफ सेल If connected across the terminal of cell, तो they said कि voltmeter हमेशा हमें EMF देता है. आज का first question ही ये था कि voltmeter हमें terminal voltage देता है, potentiometer हमें EMF देता है. तो ये false है. ठीक है, assertion हमारा false है. Voltmeter gives terminal voltage, not EMF. Reason: the terminal voltage of cell is given by V is equal to E minus IR. So yes, ये तो true है. ठीक है, so in this case our assertion is false, reason is true. Clear? चलो आगे. The EMF of the driver cell in potentiometer experiment should be greater than EMF of the cell to be determined. Okay, so ये बताने के लिए मुझे पहले सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट.
पोटेंशियोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट अगर तुमने कर लिया है या नहीं भी किया या तुम्हारा वेरी सून प्रैक्टिकल है, तो ये नॉलेज तुम्हें जरूर हेल्प करेगी जो मैं अभी देने वाला हूं। पोटेंशियोमीटर के तुम्हारे पास दो एक्सपेरिमेंट है। वेरी फर्स्ट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एंड सेकेंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। ठीक है, तुम्हें क्या मिलता है वहां पे? लैक्लेंशियस सेल मिलता है, डेनियल सेल मिलता है। दोनों की तुम्हें क्या करनी होती है, एक में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी होती है, दूसरे में दोनों सेल को क्या है उनकी ईएमएफ कंपेयर करनी होती है। ठीक है, तो अब जब तुम सर्किटिंग करते हो कि जीरो से स्टार्ट करके फिर पॉजिटिव बैटरी लगाई तुमने, रेजिस्टर बॉक्स लगाया, ठीक है, वो सारा सर्किटिंग कर ली तुमने, तो अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बताया या नहीं बताया, तुम एक सेल की ईएमएफ नोट करते हो पहले, सबसे पहले यू फाइंड कि उसकी ईएमएफ 1.5 आ रही है, ईएमएफ नहीं टर्मिनल वोल्टेज 1.5 आ रही है, तो तुम जो एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो वो मे बी 3 वोल्ट की लगा देते हो, ठीक है, तो ऐसा क्यों? हमारी बैटरी की वोल्टेज जो है वो सेल की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम उसको जॉकी पे करते हैं, जब हम उसको वायर पे क्या है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जॉकी रखते हैं, तो जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, यहां पे जॉकी रखते जाएंगे, इसकी लेंथ कंसीडरेबल आती जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो उसकी बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हमारा जो है, ठीक है, ये यहां पे वोल्टेज कम होता जाएगा, बेसिकली ये 3 मैंने दिए तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। जिस बैटरी की मैंने ईएमएफ निकालनी है, ठीक, या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, उससे ड्राइवर सेल मतलब बैटरी की ईएमएफ कम नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल फॉल जो है हमारा, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उससे कम नहीं आना चाहिए, मैं यहां यहां जहां चले जाऊं तो। ठीक, तो ये इसका रीजन है और ये हमारा केस है। क्लियर? सो व्हाट दिस है, हमारा assertion था the EMF of the driver cell, ये battery, in the potentiometer experiment should be greater than, ये बड़ा होना चाहिए, should be greater than EMF of the cell to be determined, इस cell से true है। ठीक है, so हमारा assertion true है, then reason, द फॉल ऑफ द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल कम हो रहा है अक्रॉस द पोटेंशियल वायर, पोटेंशियोमीटर वायर शुड नॉट बी लेस, जो फॉल हो रहा है वो कम नहीं होना चाहिए, किससे? शुड नॉट बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी डिटरमाइंड। सो यही तो मैंने बताया था, एग्जैक्टली सेम वर्डिंग बोल दी तुमने तो। ठीक है, सो द ईएमएफ, the potential drop should not be less than the EMF of the cell. Clear? So, ये भी true है. और yes, reason is the explanation of the assertion. Fine. चलो, इससे तुम्हारे क्या है? ये external पूछता है. ठीक है? तुम क्या करते हो? एक बार जॉकी तुम लगाते हो zero पे. एक बार जॉकी लगाते हो 400 पे. तुम्हारा first आएगा जैसे राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये नहीं हो रहा तो उसका वन ऑफ द रीजन है ये। ठीक है, वन ऑफ द रीजन है कि तुम्हारी बैटरी छोटी है सेल से। क्लियर? कि उसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बैटरी से कम है, तो मैं यहां लगाता रहा
नल पॉइंट तो आया ही नहीं क्योंकि 1.5 से ये कम थी, ठीक है। चलो तो ये दोनों ट्रू है। देन नेक्स्ट इज इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। चलो तुम्हारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहला हमने किया पोटेंशियोमीटर का, इसमें कंपेयर ही ना फिर में भी ऐसा ही होता है कि हम पहले सबसे पहले एक सेल की ईएमएफ देखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं 1.5 है सपोज, दूसरे की है 1.9, तो हम बैटरी पे 4 रख लेते हैं, ठीक, ताकि वैसे तो 3 भी रख ले चल जाएगा, 4 रख लेते हैं हम, सम से ज्यादा, उन दोनों के सम से ज्यादा, सो डेट हमारा आंसर सही रहे, ठीक है, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कम ना हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑफ मीटर ब्रिज। दे सेड इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अ हाई रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ओके, सो अगर अगेन आई मस्ट से तुमने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया, कि हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जॉकी लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टर लगाते हैं, और कौन सा रेजिस्टर, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या ये ट्रू है? यस, ठीक। सो अच्छा, मैं अभी पढ़ा रहा था तो मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, आई रिमेंबर, मैंने कहा क्या ये होता है, सो वन ऑफ द स्टूडेंट सेड यस, अदर सेड नो, मैंने कहा ये तो 50% चांसेस है कि तूने यस कह दिया, तूने नो कह दिया, किसी एक का तो सही होगा ही, राइट। बट द थिंग इज एक्सप्लेनेशन जो बताएगा उसका हम देखेंगे फिर। सो लगाना तुक्का भी लगा सकते हो तुम, मैं भी कह रहा हूं यस ट्रू है, ठीक है, बट द मेन थिंग इज रीजन, कि तुम्हें रीजन बताना है कि हाँ भाई ऐसा क्यों। सो अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया है और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बताया है तो तुम्हें पता होगा, मैं तो बताता हूं। सो इसमें क्या है कि हमने सबसे पहला जब हमने गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तब मैंने वर्डिंग बोली थी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है, ज्यादा करंट नहीं दे सकते हम उसे, और जॉकी से हम क्या करते हैं, मैंने दूसरी बात बोली आप यहां पे, मीटर ब्रिज 0 से 100 में होता है, ठीक है, मैंने कहा हम सबसे पहले जॉकी लगाएंगे 0 पे, मेरी एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगी, फिर हम लगाएंगे 100 पे, मेरी दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आएगी, तो यहां से पता चलेगा मेरी सर्किटिंग ठीक है, मेरा एक एग्जैक्ट आंसर आएगा इनके बीच में। सो अब जब मैं 0 पे लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा करंट आएगा उसमें गैल्वेनोमीटर में, और उसके कारण गैल्वेनोमीटर आउट ऑफ द स्केल होके खराब हो जाएगा, फिर पड़ेगा हमें ₹500 फाइन, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, हमें फाइन ना लगे, हम नहीं लेना चाहते स्कूल को फालतू का पैसा, ठीक, तो हम क्या करते हैं, सीरीज में एक मे बी 2000 ओम्स का एक रेजिस्टर लगा लिया, हमने एक हाई रेजिस्टर लगा लिया, सो डेट जब मैं इसको 0 पे रखूंगा ये हल्का सा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, 100 पे रखूंगा हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा, और फिर मैं अपनी रीडिंग ढूंढनी शुरू करूंगा, यहां पे रीडिंग आ गई, यहां पे मेरा नल पॉइंट आया, मैं दोबारा लगाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी की इंसर्ट करूंगा, की इंसर्ट करना मींस इसको खत्म कर दिया, ठीक है, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जब की इंसर्ट होगी तो मैं दोबारा चेक करूंगा कि इसके आसपास कहीं आंसर मिल जाएगा, तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट तो इसके बिना हो रहा है, इसको तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा देखा मेरा इसी के आसपास कहीं आंसर आ गया, तो इसकी एक्सेंस जरूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ अपने ₹500 बचाने के लिए है कि ये खराब ना हो जाए और हमें फाइन ना लगे, या इन जनरल हमें इसको खराब नहीं करना, इसलिए हम उसको रेजिस्टर दे देते हैं
ताकि करंट कम हो जाए। क्लियर? तो ये था तुम्हारा assertion। अब देखते हैं। Assertion says in the meter bridge experiment, high resistance is always connected in series with the galvanometer. True. Reason: as the resistance increases, current through the circuit increases. Is it true? No. कि अगर हमारा जो अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट तो कम हो जाएगा, है ना? तो फॉल्स। क्लियर? तो इसमें क्या है, अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। हर तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, बोथ ट्रू कर लिए, बोथ फॉल्स कर लिए, अजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स कर लिया, रीजन ट्रू, अजर्शन फॉल्स कर लिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द वायर सप्लाई करंट टू द इलेक्ट्रिक हीटर आर नॉट हीटेड अप्रिशिएटली। सो वो वायर जो हीटर तक करंट लेके आ रही है वो ज्यादा हीटेड नहीं होती। तो ये तो टेंथ का कंसेप्ट है, जूल हीटिंग इफेक्ट, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी हीटिंग ज्यादा होगी, और कंडक्टिंग वायर की तो रेजिस्टेंस कम होती है सो हीटिंग भी कम होगी। और यही उन्होंने कहा है कि जो वायर करंट लेके जा रही है उसकी रेजिस्टेंस, उसकी हीटिंग कम है। सो अजम्पशन ट्रू, रीजन चेक करते हैं। रीजन सेज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज वेरी स्मॉल एंड H is directly proportional to R। तो उन्होंने कहा रेजिस्टेंस कम है और हीट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मींस रेजिस्टेंस कम है तो हीट भी कम होगी। सो ट्रू, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यस, सो बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, या और देखने हैं तो देख लेंगे। चलो देखते हैं। हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस देन द कनेक्टिंग वायर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलर क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि जो हीटिंग वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। सो यस, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। फिर उन्होंने कहा उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली अगर उसने हीट होना है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो अजम्पशन ट्रू है, दोबारा नहीं लिख रहा मैं। रीजन, if the resistance is high the electrical conductivity will be less। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस हाई है कंडक्टिविटी कम होगी, तो ठीक है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होती है, ट्रू है। बट क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? नो, एक्सप्लेन तो इसने करना था कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा है, कंडक्टिविटी नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज ड्रॉन पैरेलल टू द बैटरी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। लास्ट क्वेश्चन, मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी फोन की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी is drawn parallel to the battery in the circuit। Okay, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, अगर ये बैटरी है इसकी ये छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये V, तो ये बाकी सर्किट से पैरेलल में होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज of the battery is drawn parallel to the battery in the electric circuit। So नहीं, ये series में होता है हमेशा, चाहे battery से देख लू तो भी series में है। Total resistance of the battery of the circuit, total resistance of the circuit, उससे भी series में होता है। तो जिससे मर्जी पूछ ले, चाहे battery से कह रहे हैं तो भी false है, अगर total resistance से कहते
तो भी assertion false है हमारा. Reason, heat generated in the battery is due to internal resistance. तो उन्होंने कहा हीट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होती है. नहीं, सर्किट में हीट जो है वो वायर के कारण होगी ना, मतलब उस रेजिस्टर के कारण होगी, वो रेजिस्टर हीटेड अप होगा. बैटरी थोड़ी हीटेड अप हो रही है, मतलब बैटरी हीटेड हो भी रही हो बट वो सर्किट को थोड़ी हीट कर रही है. ठीक है, सो हमारा रीजन भी फॉल्स है. ठीक, सो बोथ आर फॉल्स. क्लियर? सो हियर वी एंड. आई होप यू लाइक्ड द वीडियो, you like the concept, you like the way that I teach. And if you have any query, if you want to ask anything, you are always welcome. You are always basically given the reply in the comment section, right? So do support, do comment, do like. Thank you so much.